हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग ऐप लॉक कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो K12X 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको ऐप लॉक लगाना है, अगर आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स है और किसी किसी ऐप में जो आप लोग लॉक लगा के रखना चाहते हो, अगर आपको जो फ़ोटोज़ के एल्बम को लॉक करना है या बहुत सारे गेम्स है गेम्स को लॉक करके रखना है या व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब ऐप को जो है आप लोग लॉक करके रखना चाहते हो, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में किसी भी ऐप में जो है लॉक लगा सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐप लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस प्राइवेसी का, तो इस प्राइवेसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐप लॉक का ऑप्शन आएगा, तो इस ऐप लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो अपने फ़ोन का प्राइवेसी पासवर्ड डालना आएगा, तो प्राइवेसी पासवर्ड को डाल दीजिए। डालते ही आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे गाइस सब शो हो जाएंगे, तो जिस भी ऐप को लॉक करना है उसको ढूंढ लीजिए। आप लोग यहाँ पर सर्च करके भी ढूंढ सकते हो, नॉर्मली ऐसे स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। ढूंढने के बाद उस ऐप के साइड में जो स्विच है गाइस इसको यहाँ पर से क्लिक करके ऑन कर दीजिए और ये ऑन होते ही आपके इस ऐप में लॉक लग जाएगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लॉक लगाया है, तो अभी मैं अगर जाके इंस्टाग्राम को ओपन करूँगा यहाँ पर से देख सकते हैं रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करते लॉक आया है। तो आपको अपने प्राइवेसी पासवर्ड को डालना होगा तभी आप लोग जो इस ऐप को चला पाएंगे, ऐप अनलॉक होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओप्पो K12X 5G फ़ोन में आप लोग ऐप लॉक कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।